जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है आरबीएस सच की आवाज का। नमस्कार ग्वालियर, मैं हूं संजय भारद्वाज और आप देख रहे हैं आरबीएस सच की आवाज। हम हाजिर हैं दिनभर की खबरों के साथ। आइए नजर डालते हैं पहले आज की सुर्खियों पर। गुना शिवपुरी के सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की देवघर में पूजा। हाई कोर्ट में वकीलों को मिली ट्रेनिंग, हुआ सम्मान समारोह। मालवा कॉलेज के पास हुआ एक्सीडेंट, डंपर ने दो को कुचला। ग्वालियर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने की छेड़छाड़ की शिकायत। हाई कोर्ट में लगी लोक अदालत। आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्र बैठे धरने पर अपनी मांगों को लेकर। और डीआरपी लाइन में अवैध हथियारों को किया गया नष्ट। अब खबरें विस्तार से। सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देवघर में पूजा की। 45 मिनट के बाद आशीर्वाद के स्वरूप उनकी गोद में फूल भी गिरा। सूफी संत हजरत श्री साहब मंसूर शाह का उर्स गोरखी देवघर में गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। यहां सांसद श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शाम 5:30 बजे पूजा अर्चना करने पहुंचे। उन्होंने बाबा की गद्दी पर चंदन, केवड़ा, कमल, गुलाब के फूल चढ़ाए, तुलसी की माला अर्पण की। लगभग 1.25 घंटे की पूजा के बाद उनकी गोद में बाबा को आशीर्वाद स्वरूप फूल गिरा। इसके बाद आरती की गई। मान्यता है कि पूजा के बाद जब फूल गिरता है तभी पूजा सफल मानी जाती है। श्री सिंधिया के साथ इस अवसर पर ढोली बुआ महाराज, बस शहर काजी और अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। बताया जाता है कि सूफी संत हजरत मंसूर शाह ओलिया सिंधिया राजवंश के पूजनीय संत हैं। महाराजा मालजी सिंधिया मंसूर शाह के दर्शन के लिए रोज आते थे। संत के आशीर्वाद से ही महाजी सिंधिया अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने में सफल हुए। तब से सिंधिया राज परिवार में यह परंपरा चली आ रही है, जिसे सांसद श्री ज्योतिराज सिंधिया भी प्रतिवर्ष निभाते हैं। गुरु के हमारे आशीर्वाद रहे पूरे संभाग पर, सब पर, यही हमारी मनोकामना है। ग्वालियर हाईकोर्ट में वकीलों को ट्रेनिंग देने एवं उनका सम्मान करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। हाईकोर्ट में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें वकीलों को ट्रेनिंग दी गई। इस अवसर पर अच्छा कार्य कर रहे कुछ लोगों को सम्मानित भी किया गया। आरबीएस की टीम को आयोजन कमेटी के रोहित गुप्ता ने बताया कि जयंती के अवसर पर एक स्टडी चलकर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारी बार के वरिष्ठ अभिभाषक श्री नवल गुप्ता जी के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के ऊपर अपना एक स्टडी सर्कल के माध्यम से विवाद वक्ताओं के लिए
एक ज्ञानवर्धक सेमिनार का आयोजित किया गया। इस सेमिनार के माध्यम ये है कि युवा अधिवक्ताओं जो हैं वो विधिक प्रक्रिया को समझें और उस विधिक प्रक्रिया के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया में जो भी योगदान बन सकता है उसके लिए वो योगदान दें। इसका उद्देश्य समय समय पर हमारा उच्च न्यायालय में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टडी सर्कल लगता रहता है, उसी तारतम्य में आज हमारा ये आयोजन है। उसी तारतम्य में आज हमारा ये आयोजन है। मालवा कॉलेज के पास एक डंपर ने दो लोगों को कुचल दिया, हादसे में दोनों लोगों की ही मृत्यु हो गई। मालवा कॉलेज के पास हुए इस दर्दनाक एक्सीडेंट में दोनों ही व्यक्तियों की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुए व्यक्तियों के परिजनों ने दुर्घटना के बारे में जानकारी दी। साथ ही CSP ग्वालियर ने भी घटना के बारे में बात करते हुए बताया कि चलो भैया डेड बॉडी उठवा दो। डेड बॉडी उठवा रहे हैं। यहाँ गांव के दो लोग हैं, दीपेंद्र और भगवान लाल, उनका एक्सीडेंट हुआ है और दोनों की मौके पर डेथ हो गई है। उसके बाद क्या स्थिति है? इसमें उनके परिवारजन और गांव के लोग इकट्ठे हैं और चूंकि घर में वही कमाने खाने वाले लोग थे तो उनकी ये मांग है कि किसी आश्रित को नौकरी दी जाए और उनकी आर्थिक मदद की जाए। दो बच्चियाँ भी हैं उसके शादी लायक, तो उनकी आर्थिक अधिक से अधिक मदद हो जाए ताकि जो है परिवार ठीक से चल सके। अभी उनसे एडिशनल कलेक्टर साहब से और SDM साहब डबरा मौके मौजूद हैं, उनसे बातचीत चल रही है और उन्होंने कुछ आश्वासन भी दिए हैं। उनसे बातचीत और विधायक जी पूर्व विधायक मदन कुशवाहा मौके 2-3 घंटे हुए जाम को लगे। हाँ, वो डेड बॉडी रोड पर रखा है उनने और उस बातचीत करके हम सुलटा रहे हैं उस मामले। आरोपी पकड़े हैं, डंपर वगैरह? डंपर वाला तो मौके से भाग गया है लेकिन हम लोगों ने पता कर लिया है गाड़ी किसकी है और आरोपी को भी जैसे यहाँ से फ्री होते पकड़वा लेंगे। दद्दू क्या नाम है आपका? बागेश्वर। क्या नाम है आप? बागेश्वर। क्या देखा आपने? हमने देखा जी जिन मोटरसाइकिल आगे आ रही जो पीछे जा रहे हो डंपर, डंपर ने गाड़ी चढ़ा दी है बस। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी तो तैयारी है उनसे। क्या नाम है इनके, कहाँ से आ रहे थे? अजय भाई मोरा पता कहाँ से आ रहे हैं भाई? तो ही देखा अपन ने तो, ये तो बज गए उतर के सूदे, ये तो बज गए वे तो। क्या नाम है आपका? मैं कुशवा। क्या कैसे क्या घटना हुई, कितने लोगों की मौत हुई, क्या चाहते हो? हमारा भतीजा है और भैया है। हाँ। दोनों खत्म हो गए। हाँ जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे जी? ग्वालियर से पेपर जा रहे थे, ग्राम है विपरा से पेपर जा रहे थे, एक फेरा करने के लिए जा रहे थे। अब क्या चाहते हो आप, क्या होना चाहिए आपके लिए, क्या सहायता मिलनी चाहिए सरकार? अब कोई बचा ही नहीं है। हाँ, ये
लड़का बच्चा उसके लिए सरकारी नौकरी चाह रहे हैं, और बहू के लाने भतीजा खत्म हुआ है उसका, और दो बच्ची हैं शादी लायक उनकी, उनको 10-10 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। किस गांव रहने वाले हैं? अभीपुरा। कितने लोगों की मौत हुई है? दो भैया की और भतीजे की, दोनों मर गए। आपको सूचना कैसे मिली? ग्वालियर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने अपने ही पिता पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। कलयुग में रिश्तों को तार तार कर देने वाली खबर आज ग्वालियर थाना क्षेत्र से आई, जिसमें एक नाबालिग युवती ने अपने ही पिता पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। एएसआई एस के दुबे ने हमें इसके बारे में बताया। शादी समिति वाले ने पैसा ऐसा मिलते नहीं, पैसे लेने साधु का लो। उसने अपने बच्चे के अपने पिता के खिलाफ दारू पी करके छेड़छाड़ की रिपोर्ट की है। भगवान दास उसके पिता का नाम, राय कॉलोनी के रहने वाला है। क्या शराब पी करके हमको गंदी देते हैं, और गलत नीयत से हाथ पकड़ लिया मेरा। हाईकोर्ट परिसर में लोगों की समस्याओं को निपटाने के लिए लोक अदालत लगाई गई। ग्वालियर ओल्ड हाईकोर्ट पर जिला न्यायालय, फैमिली कोर्ट, लेबर कोर्ट में आज नेशनल लोक अदालत आयोजित हुई। जिला कोर्ट में प्रकरणों के निराकरण के लिए 50 न्यायपीठ गठित की गई थी। जानकारी के अनुसार लोक अदालत में कई तरह के लंबित मामलों को निपटाने के लिए छूट दी गई। जिला न्यायाधीश विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अभय कुमार ने इसकी जानकारी दी। लोक अदालत में हमने जो हमारे न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य मामले हैं, उनमें से 3,790 रेफर किए हैं। इसमें 1,487 क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस हैं, 138 निगोशियल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले हैं, मोटर दुर्घटना के 498 मामले हैं, लेबर डिस्प्यूट के 10 मामले हैं, 3,790। और प्री लिटिगेशन के जो हमारे मामले हैं, मतलब जो मामले अभी कोर्ट में नहीं आए हैं, वो हमने 10,263 रखे हैं। पुराना आंकड़े देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे लगभग 1,000 के लंबित मामले निराकृत हो जाएंगे, और प्री लिटिगेशन के मामले हमारे MSET के इन सब के मिला के करीब हम समझते हैं 2-3 हज़ार मामले। छूट एक तो स्थाई छूट होती है कि अधिनियम में ही प्रावधान है कि लोक अदालत में जो भी मामले निराकृत होंगे उनमें न्याय शुल्क वापस होगा। दूसरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी न्याय शुल्क वापस होगा। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो समझौता शुल्क माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 10% और 15% है, वो लोक अदालत में न्यूनतम किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के मामलों में, प्री लिटिगेशन मामलों में
जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं प्रभार हैं उसमें 40% की छूट दी है और ब्याज 100% छोड़ दिया गया है। इसी तरह जो लंबित मामले हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हैं उसमें 25% की छूट है और ब्याज पूरी तरह से मुक्त किया गया है। हमने 48 यहाँ पे 48 जज हमारे बैठेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, एक फैमिली कोर्ट में हमारे जज साहब बैठेंगे। आयुर्वेदिक कॉलेज के छात्रों ने अपनी मांगों को लेकर आज धरना दिया जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र उपस्थित थे। प्रदेश के आयुर्वेदिक कॉलेजों को CCIM से मान्यता नहीं मिल पाई है, इसके चलते पाउता का रिजल्ट आने के बाद भी काउंसलिंग शुरू नहीं हो सकी है। इससे कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया भी देर से शुरू होगी। इससे नाराज छात्रों ने आज धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगे रखी। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की टीम से RBS की टीम ने जब बात की तो उन्होंने अपनी परेशानी हमें बताई। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, we want justice, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, ASU जिंदाबाद, ASU आयुर्वेद जिंदाबाद, OPD बंद करो, OPD बंद करो, OPD बंद करो, आयुर्वेद का मान भारत का सम्मान, आयुर्वेद का मान भारत का सम्मान, आयुर्वेद का मान भारत की, बंद करो OPD बंद करो, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, we want justice, we want justice, बंद करो बंद करो, OPD बंद करो, मातरम, वंदे मातरम, अमित हमारे MP फोर में ले ली, जैसा कि धरना प्रदर्शन जानते हैं कल से चल रहा है। हम लोगों की मेन वजह हड़ताल के लिए यही है कि आयुर्वेदिक के लिए वैकेंसी निकाली है NRHM में, PSC में, जो खाली पड़ी कई रिक्त स्थान खाली पड़े हैं आयुर्वेद डिस्पेंसरी में, बहुत सारे 1447 डिस्पेंसरी हैं, कई स्थान खाली पड़े हैं, कोई जन सुनवाई नहीं हो रही, कोई गवर्नमेंट हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। डिग्री देने से क्या फायदा है? अभी तो कल तक का है, लेकिन अगर हमारी मांग नहीं तो हम इसको आगे बढ़ाए। आयुर्वेदिक वैकेंसी के लिए PSC NRHM महाराष्ट्र पर एक समान किया जाए MBBS के बराबर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर संतोष सिंह चौहान। हाई कोर्ट के आदेश पर DRP लाइन में आज अवैध हथियारों को नष्ट किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में बुलडोजर से अवैध हथियार नष्ट किए गए। सन 1964 से लेकर अभी तक यानी 2017 तक के अवैध हथियारों को नष्ट करने का ऑर्डर हाई कोर्ट ने दिया था, जिसे लेकर आज DRP लाइन में कार्रवाई की गई और अवैध हथियारों को बुलडोजर से नष्ट किया गया। RI देवेंद्र सिंह यादव ने RBS की टीम को इसकी विस्तृत जानकारी दी। हाँ चेक करे सुनी तेर पे पकड़ा गया था, वो कौन सा नहीं है ये दौड़ी है, इतना लंबा नहीं था, छोटा था। अपने जाने ये बंदे ले आते क्या? याद दमा कब तक लाइन अरे अब ज्यादा इधर करो क्योंकि ज्यादा
ये लगभग पुराने 50 साल पुराने हथियार हैं जो विभिन्न मामलों में अपराधियों से पकड़े गए थे। इसकी सूची बनाकर हमने कलेक्टर साहब को भेजी थी और उनने इनको नष्ट करने का आदेश दिया है। इन हथियारों का न्यायालय द्वारा निराकरण हो जाने के कारण हम इनको नष्ट कर रहे हैं। आज साहब के द्वारा जो कमेटी बनाई थी उसके समक्ष रोलर चला के इनको नष्ट किया है। जो अवैध कारतूस हैं उनको गड्ढा खोद के हम उनको दफना रहे हैं। ये अलग अलग मामले हैं, कोई 25 आर्म्स एक्ट के भी हैं, कुछ अपराध संबंधित हैं, वो बहुत अलग अलग हैं। वो कितने काउंट हुए हैं? ये 3736 कट्टे हैं और 1327 राउंड है इनके साथ। आज की खबरों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए RBS न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद, जय भारत।